सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले साइंस और वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये क्लास 9th का है। और सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का जो न्यूमेरिकल्स है वो आज करेंगे। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल करने से पहले जो फॉर्मूलेस होते हैं ना उनके वो हम सीखेंगे। तो देखिए, तो पहले आपको मैं एक डायग्राम के जरिए उनके फॉर्मूले समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, समझ लीजिए कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये है यहाँ पर कोटिंग सिल्वर, और ये यहाँ से जो जा रहा है वो है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे मिलता है हमारा पोल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली एक इमेजिनरी लाइन होता है, तो इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं हमें, ये इसका हमारे फॉर्मूले से एक रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आता है हमारा फोकल, जिसे हमें फोकल या फिर फोकस लेंथ आप जो चाहे कह सकते हैं, और यहाँ पर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसमें जानने वाली बात यह है कि देखिए, अगर है ना हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो समझ लीजिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसका जो रेस निकालेंगे वो हमेशा फोकल लेंथ को टच करके निकलेगा, और यहाँ सेकेंड रेस भी फोकल लेंथ को टच करके निकलेगा। फिर जहाँ पे वो जो आता है उसे वहाँ पे बनता है हमारा इमेज। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे अगर जो है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो हमेशा रहता है माइनस में, समझ गए, और ये जो हाइट है यहाँ की ऑब्जेक्ट की हाइट ना, इसको हमको H1 बोलते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा ही रहता है माइनस में, सॉरी प्लस में, ये प्लस में हमेशा रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, इमेज, ये जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे बन रहा है, इससे हमें ये डायग्राम से पता चलता है। तो ये जो होता है ये हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है, इमेज हमेशा माइनस रहता है, और ये है ना ये इसकी हाइट है, हाइट इसको हम H2 डिनोट करते हैं जिससे, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, U। और यहाँ पे एक और जानने वाली बात है कि जो फोकल लेंथ होता नहीं है वो इस ये वाला डायरेक्शन में होता है, तो ये भी होता है माइनस में ही, ठीक है। तो अभी इतना आप समझ गए ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग का थोड़ा खाली हो जाता है इसकी वजह से। तो चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला न्यूमेरिकल है, तो पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है, राजाश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो राजाश्री नाम का एक बंदा है जिसको एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए, उल्टा इमेज, वो भी 5 सेंटीमीटर हाइट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल गया है हाइट ऑफ द इमेज, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया, उसके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होना चाहिए फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वहां तक 30 सेंटीमीटर, ये हमें मिल चुका है। फिर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ भी मिल गया, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फिर आगे बढ़ते आगे लिखा है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी प्लेस्ड द स्क्रीन, तो जो यहाँ पूछा है हमें, इसको मैं आपको सिंपल में बताता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिरर से जो डिस्टेंस है ना, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है पहले, फिर वॉट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज एंड वॉट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये दो चीज हमें पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द इमेज, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते इसे, तो इस सॉल्व में हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, और इसको मैंने बताया था आपको, इसको H2 से डिनोट करते हैं, और इसका दिया है हमें ये 5 सेंटीमीटर ना, तो मैंने आपको बताया इमेज का जो हाइट होता है वो हमेशा माइनस में रहना चाहिए, तो हमें यहाँ पे -5 सेंटीमीटर लिखते हैं। फिर हमें सेकेंड चीज दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, तो और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये भी माइनस से ही डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं -30 सेंटीमीटर। फिर हमें यहाँ पे दिया है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अभी ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी लिख लेते हैं, फोकल लेंथ इसको हम डिनोट करते हैं एफ से,
ये मैं आपको बताया नहीं था, ये वाले वीडियो में देख लीजिए। ये है फोकल लेंथ, हम इसको ही माइनस से डिनोट करते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दिया गया है। फिर हमें निकालना क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, ये फाइंड है हमारा, हमें फाइंड में ही लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी शी प्लेस्ड द स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें सिंपल वे में करें तो हमें यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमेज डिस्टेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं वी से, ये भी मैंने आपको नहीं बताया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और ये हमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया क्योंकि हमें पता नहीं अभी है। फिर हमें सेकेंड चीज यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टाइप ऑफ द इमेज हमें जब आंसर आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड चीज हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमें निकालना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं H1 से, ठीक है, ये भी हमें नहीं पता। तो चलिए अपना मेन है अभी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर हमारे पास अगर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट का हाइट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और अगर ये है एक और इमेज का डिस्टेंस, अगर ये तीनों में से अगर दो चीज हमारे पास है तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। और वो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये v मतलब माने हो गया इमेज डिस्टेंस, और u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हो गया फोकल लेंथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, अभी हमें निकालना क्या है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको सामने रखते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पे, किया हमें इक्वल, इक्वल के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है फोकल लेंथ इक्वल के बाद, तो फोकल लेंथ हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो ये है वो इक्वल के बाद चले जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमें अभी यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 1/v तो 1/v रहेगा क्योंकि हमें इसका पता नहीं है आंसर। और ये f है यानी फोकल लेंथ, ये हमें दिया गया यहाँ पर -10 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे माइनस, फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमें पता है -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -30 लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पे इसको अभी ना ट्राई करते सॉल्व करने की, तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, और हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले से प्लस कर लेते हैं -10 + 1/30, तो यहाँ पे प्लस हो गया इसकी वजह से। अभी हमारा मेन चीज ये है कि अभी देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर एकदम अलग अलग है, तो अभी हम दोनों का इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसको हमें सेम करना है। तो इसका एक तरीका है कि अगर हम ये 10 को 3 से इंटू कर देंगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर एक हो जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं कि 1/-10 × 3, यहाँ पे हमें इंटू 3, अगर डिनोमिनेटर को इंटू कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर को भी इंटू करना पड़ता है, प्लस 1/30, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। फिर ये है 1/v = ये हो जाएगा 3×1 = 3, और ये हो जाएगा -30। तो -30 एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, अभी ये उसके पास चले जाएगा क्योंकि अभी इसके पास एक नंबर आ गया है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/30, ठीक है। तो अभी हमारा न्यूमरेटर सेम हो चुका है फुल्ली, ये हमने इसलिए इसको ऊपर डाला था ताकि इन दोनों सेम हो जाए। फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा, इन लोग को अभी हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा सॉल्व। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 − 1 = −2 क्योंकि ये ना 3 बड़ा है, अपॉन 30। तो अभी देखिए इसको हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 15। तो देखिए अभी ये लिखा है हमने −1/15, तो −1/15 हमारा 15 आंसर नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर डाल देंगे, तो इसका माइनस इसमें आ जाएगा और ये भी ऊपर आ जाएगा, देयरफॉर v = −15। तो ये है हमारा मेन आंसर, ये मेन आंसर नहीं एक्चुअली, इसका आगे हम लोग का एक और आंसर है। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा आंसर अभी आ चुका है जिसकी मदद से अभी हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, यानी कि हाइट ऑफ द, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी H1 अभी निकालना है। तो अभी H1 हमारे पास नहीं है, लेकिन H2 हमारे पास है, तो इसकी मदद से हम ये भी निकालेंगे। और इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बाजू में करता हूँ। देखिए
ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज दिए है, कुछ कुछ चीज नहीं दिए, तो हमें बड़ी सावधानी के साथ इसे करना है। तो देखिए ये हमें क्या चाहिए, अभी ये चाहिए एच वन, तो एच वन के लिए हमें यहाँ पे है ना एच वन को पहले ले लेते हैं, एच वन इज इक्वल टू, तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस यू और एच टू अपॉन वी, एक्चुअली माइनस वी है फिर, क्योंकि माइनस यहाँ पे था। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, ये एच वन है हमारे पास, इसको वैसे ही रखेंगे, माइनस यू, तो यू हमें पता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही एक और माइनस दिया है, तो पहले हम ये माइनस डालेंगे, फिर ब्रैकेट में हम माइनस 30 लिखेंगे, फिर ये इन दोनों के बीच में है इन टू, फिर ये है एच टू, तो एच टू हमें पता है वो है माइनस 5 सेंटीमीटर, तो माइनस 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं अपॉन माइनस वी, तो माइनस वी है तो माइनस वाई डाल दिया, अब वी तो हमारे पास मिल गया, ये है माइनस 15 सेंटीमीटर, तो हम इसे लिख लेते हैं माइनस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी एक और माइनस आएगा, क्योंकि है ना ये पहले से माइनस है और वहां पे भी हमने माइनस किया था। देखिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे ये माइनस जो है वो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर अभी यहाँ पर है ये हो गया वन, और ये जो है ये हो जाएगा माइनस टू, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस टू इंटू माइनस फाइव, तो इन दोनों के माइनस माइनस से हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एच वन इज इक्वल टू 2 5 10, तो प्लस 10 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे हमारा हाइट भी मिल चुका है, और ये हाइट क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है ना, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हमें जो दिया था ये हाइट ऑफ द इमेज ये 5 सेंटीमीटर है, एक्चुअली माइनस 5 सेंटीमीटर है ना। तो अभी देखिए ये है एच टू यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, ये छोटा आ रहा है जब इसे हमने कॉन्केव मिरर में डाला, तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि जो इमेज बनेगा वो छोटा आएगा, अगर इंग्लिश में कहें तो ये डायमिनाइज्ड होएगा। तो पहले हम हमारा आंसर लिख लेते हैं, यहाँ पर आंसर हमें लिखना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, हमने यहाँ पर आंसर निकाला 10 सेंटीमीटर, फिर हमें इसके नीचे लिखना है जो हमसे सेकंड सवाल जो हम हमसे इन्होंने पूछा था कि इमेज कैसा बनेगा, तो हमें यहाँ पे लिखना है थस द इमेज विल बी डायमिनाइज्ड। तो चलिए अभी सेकंड सम करते हैं, यहाँ पर सेकंड सम करते हैं जो है हमारा टेक्स्ट बुक का है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम पहला सम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ पे आते द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट एस टू गेट अ क्लियर इमेज, वॉट विल बी द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन ढूंढना है, तो गिवन के बारे में हम देखें तो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ना सिंपल सी बात है, हमें मिल चुका है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट है 7 सेंटीमीटर सॉरी, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो पहले हम यही लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए क्या मिला है। तो गिवन लिखा हमने, यहाँ पे हमने दिया ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं एच वन, भूलिएगा मत, इसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं, तो ये लिखना जरूरी होता है। ये हमें मिला है 7 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है इसलिए प्लस में रहेगा। तो सेकेंड चीज में हमें मिलता है कि स्केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं, इसको यू से डिनोट करते हैं,
और ये हमें माइनस में लिखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में रहता है। ये है 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर। फिर हम आगे आते हैं, तो हमें आगे दिया है फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी माइनस में होता है। ये हमें लाल एक और चीज पता चल गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोकल लेंथ, इसे हम एफ से डोनेट करते हैं, ये हमें मिल गया है 15 सेंटीमीटर, इसे हम -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, तो यहाँ लिखते हैं टू फाइंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टू फाइंड में हम देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी कैप्ट सो टू गेट अ क्लियर इमेज, तो हमें इमेज क्लियर इमेज चाहिए हमें, तो उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखें यहाँ पे दिखा गया है, मैं आपको सिंपल वे समझाता हूँ कि ये जो हमें सिर्फ ये मांग रहा है कि हमें एक डिस्टेंस चाहिए इमेज का, और हमें वहां मिरर कहाँ पे रखेंगे जिससे हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज मिल जाए, इमेज ऑफ द डिस्टेंस। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसे हम वी से डोनेट करते हैं और ये है अभी क्वेश्चन मार्क में, हमें अभी से निकालना है। और यहाँ पे एक और चीज हम देखे है, तो ये हमें इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट विल बी द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। तो देखिए साइज और इमेज, अगर साइज की बात करें तो यहाँ पे इमेज का साइज पूछ रहा है, नहीं एच टू पूछ रहा है। इसके अंदर कंफ्यूज में तो ये का ये एच टू पूछ रहा है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। तो और इसका नेचर भी हमें पूछ रहा है, वो नेचर भी हम बताएंगे जब हमें इसका हाइट मिल जाएगा। तो चल देखते हैं फिर क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये हमें निकालना है। एक और ये है एच टू, ये भी हमें क्वेश्चन मार्क में। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में यहाँ पे देखिए हमारे पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर इसके बाद फोकल लेंथ है, निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले वाले में लगाया था सॉरी तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, तो हमें निकालना है v। तो हम यहाँ पे पहले v डाल देते हैं, 1/v इक्वल के पहले ये है 1/f, फिर इसके बाद ये u यहाँ पर आ जाएगा माइनस के पहले, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u -1/u। तो अब इस सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/v हमें पता नहीं है, 1/f यहाँ पे हमने लिखा है -15 सेंटीमीटर, यहाँ पे -15 लिख लेते हैं माइनस, और u देखिए u यहाँ पे मैंने निकाला, ये हमें पता है -25, तो -25 लिख लिया। अब यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/v = 1/-15 + 1/25। तो देखिए अभी हमने पिछले वाला सम थोड़ा इजी था, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिमाग लगेंगे सब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 है और 25, हमें कोई ऐसा एलसीएम निकालना है जिससे ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो हम उससे फटाफट कर लेंगे प्रूफ। तो ध्यान से देखें तो 15 और 25 में एक ही डिनोमिनेटर है, होंगे बहुत सारे, लेकिन हमारा जो मेन है वो पास में हमें मिल जाता है, वो है 15 4 15 4 कितना होता है 60, और 25 3 एक्चुअली हमें 75 की जरूरत है इसमें, ये 75 दोनों में आता है, तो 25 3 जो हो जाता है 75, और -15 × 5 हो जाता है 75। तो पहली वाली गलती के लिए माफी चाहता हूँ, और यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमें ना इंटू करेंगे -15 × 5, तो ऊपर को भी 5 से इंटू करेंगे, प्लस 1/25 × 3, इसको 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/v = ये पहला वाला 5 हो जाएगा, नीचे वाला ये माइनस है, ये माइनस ऊपर डाल देते पहले, फिर 15 5 हो जाता है 75, प्लस ये हो जाएगा 3 3 1 3 25 3 75, ठीक है। तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, कॉमन मान लेते हैं, इसे हम एक साथ लिख लेंगे और इसको भी कर लेंगे, फिर 1/v = ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 = 2, और बड़ा 5 है इसलिए इसका ये यहाँ पे लगा देंगे साइन, और 0.75, ठीक है। अभी 75 कर लिया, अभी पिछली बार की तरह इसको सब्ट्रैक्ट करना है,
ध्यान से देखिएगा, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस वन। देखिए टू के टेबल में सेवन से कम होता है सिक्स, जो भी आता है थ्री में, और इसका वन इसमें जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब बचा फिफ्टीन, अभी है टू फिफ्टीन से, अभी फिफ्टीन से कम होता है फोर्टीन जो सेवन में आता है, तो सेवन भी लिख लेते हैं। अभी बचा हमारे पास एक, तो हम यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे आ गया जीरो, तो टू के टेबल में फाइव से आता है टेन, तो ये हो गया फाइव, तो हमारा आ गया यहाँ पर वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन वन अपॉन 37.5। इससे ऊपर लेके जाएंगे, वी इज इक्वल टू 37.5 माइनस, एक्चुअली हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा इमेज ऑफ सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज मिल चुका है यहाँ पर। अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हम देखते हैं हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना बहुत ईजी है, जो हम मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला लगाए थे वही यहाँ पे भी लगाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड, ये लिखना जरूरी है, इसकी वजह से मार्क्स से कई कड़ी कट हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड लिख लिया, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं m इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, अभी हमें इसमें निकालना है एच टू, पहले वाले में हमें एच वन निकालना था, तो इसका भी फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, पहले हमें निकालना है एच टू, तो एच टू को रख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस वी, फिर एच वन इधर आ जाएगा वापस अपॉन यू। देखिए इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन चुका है, इसको हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको इधर डाल दिया है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हमने इधर डाल दिया, यू नीचे था, तो बहुत सिंपल है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एच टू इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस पहले से ही डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसका साइन फॉर्मूला में, तो वी हमने यहाँ पे निकाला था जो कि है माइनस 37.5, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 37.5, और माइनस 37.5 अब यहाँ पे इंटू डाल देते, और एच वन हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख लेते अपॉन ये यू है, तो यू हमारे पास है जो है माइनस 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस 25 लिख लेते, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 का हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम इधर 5 को मल्टीप्लाई से करते हैं, तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 में, ये 5 यहाँ पे बच गया, और इसको अभी करते हैं, ये हो जाएगा 37 से कम होता है 35, तो 35 को ले लेते हैं, 35 आता है 7 में एक्चुअली माइनस, फिर यहाँ पे आ गया पॉइंट, फिर ये 5 आता है 1 में, सॉरी यहाँ पे 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 37 माइनस 7.5, ये हमारे ये आ चुका है। अभी हमें एक और बार करना है इसको, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 आता है 1 में आता है, और ये इसमें 2 जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1.5, यहाँ पे हमारा ये आ चुका है एच टू इज इक्वल टू माइनस 1.5, और यहाँ पे 7 जो है इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अभी इन दोनों का भी अगर हम इंटू करेंगे तो इन दोनों का जो आंसर है वो इस तरह आएगा, इस दोनों का आंसर आएगा 10 माइनस 10.5, तो ये हमारा सेकेंड आंसर है, इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं। अभी आपको जो आप आंसर लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए, आपको भी आंसर भी बड़े अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटे में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे है द स्क्रीन शुड बी कैप 37.5 सेंटीमीटर इन, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन में भी लिखा गया है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये हमारा ये पहला आंसर है जो हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला। फिर हम यहाँ पे है ना एक और सेकेंड आंसर जो हमने ये निकाला है इसके बारे में हम लिखेंगे, उससे पहले हमारा जो पहला चीज था यानी कि हम अभी हमें मिल गया ये माइनस 10.5, ठीक है, तो अभी इससे हमें पता चल जाएगा कि इमेज कैसा बनने वाला है, तो ये इमेज है ना रियल बनेगा, तो रियल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द इमेज इज रियल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रियल लिख दिया इसका। अभी हमने वो मेन वाला आंसर लिखना है जो हमें यहाँ पे निकाला है, हम यहाँ पे लिखेंगे द हाइट
ऑफ द इमेज इज 10.5 सेंटीमीटर. इट इज एन इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, अथवा बड़ा इमेज है हमारा ये, इनलार्ज्ड इमेज. तो ये बहुत इजी था. अभी हम नेक्स्ट सम पे जाते हैं.